हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ए टू जेड साइरप के बारे में। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ए टू जेड साइरप, जो कि एलकेम कंपनी की आती है ए टू जेड साइरप। और आप जिस साइरप को सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मैंगो फ्लेवर में है। मैंगो फ्लेवर में ये साइरप आती है, और भी फ्लेवर में आती है। इसके अंदर खास तौर पर क्या रहता है, मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल इसके अंदर रहता है, जो कि ताकत का काम करती है, भूख बढ़ाने का काम करती है। जिन व्यक्तियों को कमजोरी महसूस होती है वह सब यह साइरप उन सभी चीज़ों की पूर्ति शरीर में करती है। हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, कितने mg में पाए जाते हैं, बाकी इसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम कुछ नॉर्मल सी देख लेते हैं इसमें क्या क्या पाई जाती हैं। इसमें विटामिन सी पाया जाता है 100 mg, नियासिनामाइड पाया जाता है 50 mg, विटामिन B1 10 mg इसमें पाया जाता है, तथा विटामिन B2 इसमें 10 mg पाया जाता है, विटामिन B6 3 mg इसमें पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है इसमें 12.5 mg, फोलिक एसिड पाया जाता है इसमें 1 mg, विटामिन B12 इसमें पाया जाता है 5 mcg, विटामिन ए भी इसमें रहता है 5000 IU, तथा विटामिन D3 भी इसमें रहता है, विटामिन ई रहता है, जिंक ऑक्साइड रहता है, सोडियम सेलेनेट रहता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, बहुत सी ऐसी इंग्रेडिएंट इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए लाभदायक है। साइरप इतनी अच्छा रिजल्ट देती है बॉडी के अंदर, बहुत बढ़िया। हर डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करता है, और कंपनी की भी ब्रांडेड कंपनी की है, एलकेम कंपनी की, और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है इसका। इसकी डोज की बात कर लेते हैं हम। इसकी डोज है, बच्चों में इसे डॉक्टर की सलाह से दें, तथा बड़ों में भी डॉक्टर की सलाह से ही लें। बाकी इसे नॉर्मल जो व्यक्ति लेते हैं वो है 5 ml सुबह और शाम, दोनों टाइम इस साइरप को ले सकते हैं, वह भी खाना खाने के बाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।